से यहाँ चली जाएगी अगर आपकी जगह बारबीना बेचे तो। अफगानिस्तान से आया हूँ और आपके लिए काबली पुलाव का तोहफा लाया हूँ। काबली पुलाव का पहला कमाई तुझे देख के अंदर आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा एक पुलाव पे मर रहे नहीं थी ना मेरे साथ। कुछ की जाती हुई तस्वीरें अच्छी नहीं आती। खुल के तस्वीरें हाजरा हाजी साहब और बारबीना को मशवरा देती है कि अगर काबली पुलाव को होम डिलीवरी के ज़रिए सेल आउट किया जाए तो बहुत अच्छा रिस्पांस होगा और इसका ऐड सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। और वो हाजी साहब को ये भी मशवरा देती है कि अगर बारबीना की तस्वीर आपकी तस्वीर की जगह लगाई जाए तो पुलाव ज़्यादा अच्छे तरीके से सेल आउट होगा। तो हाजी साहब इस बात को लेकर मान जाते हैं। इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है और बारबीना की अच्छी खासी कमाई होती है। वो अपनी कमाई का पहली हिस्सा हाजी साहब को देती है लेकिन हाजी साहब को इस बात को लेकर दुख होता है कि वो बारबीना की कमाई को ले रहे हैं। दूसरी तरफ जब बारबीना के ऐड पर काफ़ी कमेंट्स आते हैं तो ये देखकर हाजी साहब को गुस्सा आता है कि कोई और बारबीना के लिए मोहब्बत क्यों शो कर रहा है और उनको जेलसी फील होती है। इसीलिए वो बारबीना से कहते हैं कि वो हिचकिचाती हुई तस्वीरें क्यों लगा रही है, वो खुलकर अपनी तस्वीरें लगाए। तो बारबीना को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसने किया क्या है कि इस तरह हाजी साहब गुस्सा हो रहे हैं। दूसरी तरफ हाजरा अपने मकसद के लिए इन दोनों को इस्तेमाल कर रही होती है। वो इनकी स्टोरी सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाह रही होती है। उसका मियाँ उसे मना करता है कि वो इस तरह की हरकत ना करे और चोरी छुपे उनकी बनाई हुई वीडियोस ना सोशल मीडिया पर वायरल करे, लेकिन वो वायरल कर देती है। वो गुस्से में चीखता चिल्लाता उसके पीछे आता है तो वो हाजी साहब को यही बताता है कि हाजरा ने आपकी चोरी छुपे बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। तो हाजी साहब भी काफ़ी गुस्से में होते हैं और बारबीना उसे यही कहती है कि मैंने तो मैं बहन समझा था और तुमने मेरी पीठ पीछे ही छुरा घोंप दिया है। दूसरी तरफ इलियास गफ़ार लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। वो गफ़ार के बहनोई को एक झूठे मुकदमे में अरेस्ट कर लेता है। उसका बहनोई चीखता चिल्लाता है कि ये झूठा मुकदमा है, लेकिन इलियास कहता है कि ये पिस्टल इसी से बरामद हुआ है और मैंने कोई झूठा मुकदमा नहीं बनाया है। लेकिन गफ़ार कहेगा कि उसने तो कभी भी पिस्तौल क्या चिड़िया तक नहीं मारी, तो ये क्या पिस्तौल रखेगा। लेकिन अलियास ये मानने से इनकार कर देता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा हमारे चैनल।